असलम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास बायोजी के सारे चैप्टर्स के एम सिक्यूज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम चैप्टर वन के एम सी क्यूज़ देखते हैं सबसे पहले एम सी क्यूज़ है द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ़ वेरियस ऑर्गनस ऑफ ऑर्गेनिज बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम बॉडी के ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिशूस पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फोसल्स द अदर नेम फॉर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो इसका दूसरा नाम है इकोलॉजी माइक्रो बायलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम माइक्रो ऑर्ग्निजम्स वो ऑर्गेजम्स होते हैं जो हमें निगड आई से नजर नहीं आते विच मसलम साइंटिस्ट इज़ नोन एज फाउंडर ऑफ मेडिसन ऑप्शन ए बोअलिसी विच वन ऑफ दिस बायो एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन हाइस्ट परसेंटेज बाई मैथ इन ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर इन चारों एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन सिक्सटी फाइव परसेंट इसके बाद एम नंबर एट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंटेन्नी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनी सेलूलर ऑर्गनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेजम्स जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं तो इसमें ये जो यूगलना है ये यूनी सेलूर यूक्रियाट है बाकी तीनों मल्टी सेलुलर ऑर्गनिज्म इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है विच ऑफ दिस बायो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लोएस्ट परसेंटेज बाय मैथ इन ह्यूमन बॉडी इन सब में से जो सबसे कम परसेंटेज में पाया जाता है ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा होता है इसके बाद ऑक्सीजन के बाद होता है कार्बन uh, फिर हाइड्रोजन फिर होता है नाइट्रोजन फिर कैल्शियम और एंड पे होता है फास्फोरस। ये इन चारों में से सबसे कम परसेंटेज में होता है हमारी बॉडी के अंदर इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग, द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मे दिस बी अच्छा अब यहाँ पर एक बात कि बायोलॉजी के वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं उनके अंदर चेंजेस करते हैं ताकि हम उनसे कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनवा सकें तो उस फील्ड को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसी यूज़फुल चीज़ को बनवाते हैं जैसे इंसुलिन प्रोटीन को बनाना बैक्टीरिया से वो इंसुलिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है विच ऑफ़ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ एम्फ़ीबियन आपको पता है एम्फीबियन वो ऑर्गेजम्स होते हैं जो पानी पर भी रहते हैं और खुशकी में भी रहते हैं और इसके अंदर आ जाता है फ्रॉक ठीक है फ्रॉग एक एम्फीबियन है इसके बाद ट्वेल्थ एमसीक्यूज़ है इफ़ टिशू लेवल इज़ नॉट डेवेलप इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच नेक्स्ट लेवल विल नॉट फॉर्म अगर टिशू लेवल नहीं होगा तो जहरी बात है फिर ऑर्गन्स नहीं होंगे ठीक है मालिकुलर लेवल भी होगा लेवल भी होगा और नैली लेवल भी हो, न, होगा अगर टिश्यूज़ नहीं होंगे तो फिर उसके बाद ऑर्गन भी नहीं बनेंगे क्योंकि ऑर्गन टिश्यू से ही मिलकर बने हुए होते हैं फॉलोइंग डायग्राम शोज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रैड रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है डायग्राम के अंदर विच वन इज द ऑर्गन लेवल सबसे पहले यहाँ पर ये सेल है ये टिश्यू और ये जो स्टमक है ये ऑर्गन लेवल के अंदर आता है ऑप्शन सी इज ऑर्गन इसके बाद सेकंड लास्ट टाइम से क्यों होता है दार्मिंग डायग्राम शोज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायोमेंट्स बाय मैथ ऑफ ह्यूमन बींग विच लेवल पार्ट रिप्रजेंट हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर होता है कार्बन तीसरे नंबर पर होता है हाइड्रोजन टेन परसेंटेंट तो ये जो ऑप्शन सी है यह हाइड्रोजन है इसके बाद फिफ्थ फिफ्टीन एम सी क्यूज है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ माइक्रो मालिक्यूस माइक्रो मिलीस व होते हैं जो लार्ज मालिक्यूज होते हैं एक्सेप्ट इन चारों में से प्रोटीन लार्ज मालिक्यूल है स्टॉच लार्ज मालिकूल है डी एन ए लार्ज मालिक्यूल्स हैं जबकि ग्लूकोज एक माइक्रो मालिक्यूल है स्मॉल मालिक्यूल है इसके बाद हम चलते हैं दूसरे चैप्टर के एम सी क्यूज़ की तरफ चैप्टर टू का सबसे पहले हमसे क्यों होता है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑब्जर्वेशन ऑप्शन सी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ गैदर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड डेटा वो इंफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिलती है उसे डेटा कहते हैं विच ऑफ द फॉलमिंग रिप्रजेंट द करेक्ट सीवेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी साइंटिफिक मैथड के जो करेक्ट स्टेप होते हैं उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन से हाइपोथीसिस बनाई जाती हैं हाइपोथीसिस के ऊपर डिडक्शंस बनाई जाती हैं उस इस, इसके बाद उन डिडक्शंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट रन किए जाते हैं और फिर फर्दर जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं अगर हमारी हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहे हो तो उसे थ्योरी में कन्वर्ट किया जाता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसके बाद फोर्थ एम है इसमें ऑप्शन डी है थर्ड का ऑप्शन डी है फोर्थ एम है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश हाइपोथीसिस फ्राम थ्योरीज बेसिकली जो थ्योरीज होती हैं वो हाइपोथीसिस से ही बनती हैं थ्योरीज आर हाइपोथीसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो ज़्यादा सूटेबल है इसके बाद फिफ्थ एम सी क्यूज है मलेरिया इज़ कास्ड बाय मलेरिया काज होता है प्लाज्मोडियम की वजह से इसके बाद है द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर इस कॉल्ड रेशो एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो कंपैरिजन होता है उसे रेशो कहते हैं टू इक्वल रेशोज़ आर जॉइन बाय साइन ऑफ इक्वालिटी विच इज़ नोन एज प्रोपोर्शन ऑप्शन सी इसके बाद सेवंथ एम सी क्यूज़ है एटथ एम सी क्यूज़ है मलेरियलिय पेशेंट हैज़ प्लाजमोडियम इन हज़ ब्लड वट वुड भी द पॉसिबल एक्सप्लेशन इफ हेल्दी पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग मलेरियल सिम्टम्स शोज प्लाजमोडियम इन ब्लड मतलब एक हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड के अंदर भी प्लाजमोडियम अगर मौजूद है पाया गया और उसके अंदर मलेरिया के सिम्टम्स शो नहीं हो रहे तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है इसकी रीजन ये हो सकती है कि प्लाजमोडियम जो है वो इनक्यूपेशन पीरियड में यानी ग्रो कर रहा है कुछ टाइम के बाद उसके अंदर मलेरिया के सिमटम्स शो होना शुरू हो जाएंगे तो जब वो इंक्यूबेशन पीरियड में होता है प्लाजोडियम तब पेशेंट के अंदर सिम्टम्स शो नहीं होते यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट आप एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं बेसिकली जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी डिटेक्शन uh, के ऊपर या कोई भी आपके पास प्रॉब्लम uh, है उसके ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट रन करते तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं इन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर आप दो ग्रुप बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप ठीक है मे इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले चैप्टर थ्री चैप्टर टू के जो एम सी क्यूज़ अपलोड किए हैं मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आप उसको भी देख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज़ नंबर टेन है विच ऑप्शन हैज़ करेक्टली मैचड डिजीज विद वेक्टर मॉस्किटो मलेरिया इन ह्यूमन ह्यूमन के अंदर जो मलेरिया होता है वो एनओफेलिस की वजह से होता है या ऑप्शन ए होगा या सी होगा मलेरिया इन बर्ड्स बर्ड्स के अंदर मलेरिया क्यूलिक्स की वजह से होता है तो ऑप्शन सी को ही हम चूज़ करेंगे ए वाला तो हो नहीं सकता आगे चल नहीं सकता जो डेंगी है वो एडीज़ की वजह से होता है तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो ज़्यादा सूटेबल है करेक्ट है बाकी कोई आपको क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर थ्री की तरफ चैप्टर थ्री का सबसे पहले हम सिक्यूज एंड टू विच किंगडम यू प्लेस अ मल्टी सेलुलर लैंड ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसेंसीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट्स और उनको हम किंगडम प्लांटी के अंदर रखेंगे विच किंगडम इज मिसमैच्ड विद इट्स करेक्टर अच्छा अब यहाँ पर फनजाइज जो हैं वो यूजुअली सेप्रोट्रॉफिक होते हैं सेप्रोट्रॉफिक ही होते हैं यानी डी होते हैं एनिमल्स रेयरली इंजेस्टिव रेयरली का मतलब होता है आ, बहुत कम जो एनिमल्स होते हैं वो रेयरली इंजेस्टिव नहीं होते वो इंजस्टिव ही होते हैं वो प्योरली इंजेस्टिव होते हैं वो अपनी ख़ुराक को इन्जस्ट करते हैं ये जो पी है ये मिस मैच्ड है प्रोटिस्टा उनके अंदर वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इसमें मिस मैच्ड बी वाला है द किंगडम टू विच द एल जी बिलोंग्स एल को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसके बाद फोर्थ एम सी क्यूज़ है दाइंटिफिक नैम हैज़ एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नेम का जो एडवांटेज होता है वो ये है कि इनकी साइंटिफिक बेसिस होती है और इन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ है बाइनोमियल नोम क्लेचर वॉज इंट्रोड्यूसड बाई क्लिनियस ऑप्शन बी विच एनिमल हैज़ नॉट बिकम एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान मार्कोपोलोशिप ऑप्शन सी इसके बाद सेवंथ एम सिक्यूज है विच सेल इज़ अ प्रोक्रियाट यहाँ पर यह डायग्राम में मुख्तु सेल्स दिखाए गए हैं हमने ये बताना है कि इन सब में से प्रोक्रियाट कौन सा है आपको पता होना चाहिए प्रोक्रियाट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस है इसके अंदर भी न्यूक्लियस है इसके अंदर भी न्यूक्लियस है तो ऑप्शन ए इस करेक्ट ये एक प्रोक्रियार्ट है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है ये न्यूक्लियस है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है इसके अंदर डी एन मौजूद होता है और इसका डी एन डायरेक्टली साइडोप्लाजम के अंदर पड़ा हुआ होता है इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एम सी क्यूज नंबर एट की तरफ दर्गनिज्म दट फीड ऑन डेड डिकंग मैटर और कॉल वर्गनीजम जो डेड ऑर्गेनिक मेटर के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें सेप्रो या डी बोला जाता है इन पाकिस्तान दीज आर मोस्टली फाउंड इन हंजराब नेशनल पार्क एंड एडिंग एरियाज इसमें है ऑप्शन सी मार्कोपोलोशिप वार्सिस आर असाइन टू द किंगडम वर्सिस को किसी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया ऑप्शन डी बैक्टीरियल सेल्स एंड वायरल पार्टिकल्स दोनों के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर होती है लेकिन वायरस के अंदर नहीं होती सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर होती है वायरस के अंदर नहीं होती साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के अंदर होता है वायरस इसके अंदर नहीं होता ऑप्शन डी जो है जिसमें डी एन एंड आर एन ए है ये डी एन ए और आर एन मौजूद होते हैं दोनों के अंदर बैक्टीरिया के अंदर भी और वायरस के अंदर भी ये मौजूद होते हैं द काम करेक्टर ऑफ वायरस पिराइंस एंड वायराइड्स इन तीनों के जो मैन करेक्टर मैस्ड करैक्टर है कॉमन करैक्टर है वो ये है कि ये तीनों इन्फेक्शन इन नेचर हैं डिजीज़ काज करते हैं ऑल ऑफ़ द फॉलोइंग आर लिविंग करैक्टर्स ये सारे लिविंग करैक्टर्स हैं एक्सेप्ट क्रिस्टलाइजेशन जैसे वायरसेस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना लिविंग अपने होस्ट के बाहर वो डेड हो जाते हैं तो इस वजह से उन्हें नॉन लिविंग बोला जाता है तो ये क्रिस्टलाइजेशन का करैक्टर वायरस के अंदर होता है तो ये नॉन लिविंग करेक्टर है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अर्नेस्ट हैकल ऑप्शन सी इसके बाद फिफ्टीन एम सी क्यूज है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द यूनिक फीचर ऑफ किंगडम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया वगैरह के अंदर नेक्स्ट हमने देखना है करेक्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है हाइड्रोट्रॉफिक भी उसे कहते हैं उसे इंजस्ट्री भी कहते हैं तो इसमें या हम ऑप्शन ए को रखेंगे या बी को रखेंगे सी को रखेंगे डी को हम नहीं रख सकते जो प्रोक्रियार्ट्स होते हैं उसमें से कुछ प्रोक्रियास हैड्रोट्रॉप होते हैं कुछ एबजॉप्टिव है, भी होते हैं कुछ हाइड्रोट्रॉप भी होते हैं कुछ हाइडोट्रॉप भी होते हैं तो इसको हम रखते हैं ऑप्शन बी को फ्लैक्सीबल रखते हैं पहले हम फंजाई को देख लेते हैं फंजाई जो होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव होते हैं बाकी नहीं हो सकते तो हम सी वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें ये भी गलत हो गए हैं और ये भी गलत हो गया है प्लांट ही जो है वो फोटोसन थर्टिक होते हैं तो प्रोक्रियार्ट्स में कुछ हाइड्रोट्रॉप हैं कुछ एबजॉप्टिव हैं इसके अलावा कुछ हाइट्रोट्रॉप है तो इसमें हम ये रखेंगे ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इसके बाद चैप्टर फोर का पहला एम्सिक्यूज है नेटवर्क ऑफ चैनल एक्सटेंडिंग फ्राम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड्रोप्लाजमिक रेडिकुलम बेसिकली मेम्ब्रेन्स ही होती हैं मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ हुआ होता है द साइट ऑफ एंजाइम्स एसिस इन सेल सेल के अंदर एंजाइम्स बन रहे होते हैं राइबोसोम्स के जरिए राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं और कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती हैं इसके बाद थर्ड एम से क्यूज है द कन्सन्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन अ सेल इज़ ज़ीरो पॉइंट नाइन परसेंट सेल के अंदर कैल्शियम की कन्सन्ट्रेशन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट है सेल के बाहर जो सोलूशन है उसके अंदर जीरो पॉइंट वन परसेंट है हाउ कुड द सेल ऑफ्टेन मोर कैल्शियम सेल और कैल्शियम किस तरह से लेगा बाहर चूंकि कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम है बाहर से अगर अंदर जाएगी तो ज़ाहरी बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से जाएगी ए टी पी को यूज़ करते हुए जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब सब लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में मूव करती इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है वॉट इज़ द मैन एडवांटेज ऑफ स्मॉल सेल साइज़ स्मॉल सेल का बेनिफिट ये रहता है कि स्मॉल सेल कैन बेटर टेक अप वॉट दे नीड फ्राम इन्वायरमेंट यानी जो भी उन्हें चाहिए होता है वो इन्वायरमेंट से ईजिल ऑप्टेन कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज वु टेल यू वेदर अ सेल इज प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक सेल प्रोक्रियाटिक का या यूक्रियाटिका का यह कैसे पता चलता है वेदर आर नॉट सेल इज पार्टिशन बाई इंटरल मब्रैन यानी मेब्रैन बोनि ऑर्गेलिस अगर सेल के अंदर होंगी तो वो यूक्रियाटिक ममब्रैन बोनी ऑर्ग्नैलिस नहीं होंगी तो वो प्रोक्रियाटिक इसमें ऑप्शन ए क्रेक्ट है नेक्स्ट टाइम से क्यू इसकी तरफ चलते हैं ये लीफ के डायग्राम यहाँ पर दी गई है हमने यह बताना है कि ये लीव के जो मुख्तिक पार्ट्स हैं इन में से कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें जो ये डी वाला है ये अपर एपिडर्मस है ये लोअर एपिडर्मस है ये मीजोफिल है और ये जो ए वाला है ये बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है यानी जायलम और फ्लोइम यहाँ पर मौजूद होते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट टाइम से क्यूज है वट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप इन्स्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप में हम लिविंग सेल्स को देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते ये जो नीचे डायग्राम बताई गई है ये मुख्तिस सेल्स की है और यहाँ पर हमें देखना है कौन से सेल्स के अंदर सबसे कम सोल्यूट कंसनट्रेशन है आपको पता होना चाहिए जिस सेल के अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ठीक है और वाटर उससे दूसरे सेल्स में मूव करेगा उन सेल्स के अंदर जहाँ पर सोल्यूट की कन्सनट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा अब यहाँ पर देखिए सी में से वाटर मूव कर रहा है डी के अंदर भी और बी के अंदर भी ठीक है और डी से भी वाटर मूव कर रहा है बी के अंदर और ए के अंदर भी यानी ए के अंदर जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी और इसके बाद सबसे कम सल्यूट की कन्सन्ट्रेशन सी के अंदर होगी क्योंकि उसके अंदर वाटर यहाँ पे नहीं आ रहा तो सी के अंदर सबसे कम सल्यूट की कंसनट्रेशन है सबसे ज़्यादा वाटर है यानी सी के अंदर तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ये वाला जो है नेक्स्ट हम चलते हैं एम नंबर टेन की तरफ अब यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है प्लांट सेल की हमने बताना है कि ये जो मुख्तिक पार्टस रिप्रेजेंट किए गए हैं इनमें से कौन सी कौन सा पार्ट जो है वो पार्सली परमिएबल है आपको पता है पार्सली परमियबल सेलम्ब्रैन होती है तो ये जो दो है ये सेलवाल है अब यहाँ पे तीन सही तरह से शो नहीं हो रहा यहाँ पे ये जो वन है ये सेल मेम्ब्रेन मुझे लग रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है तो ये जो वन है ये पार्सली परमिएबल है ठीक है सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट हम चलते हैं एम सी क्यूज नंबर अलेवन की तरफ यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर मुख्तफ सेल्स दिखाए गए हैं हमने यहाँ पर प्रोक्रियाटिक सेल्स को आइडेंटिफाई करना है तो प्रोक्रियाटिक सेल वो होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बॉडी रोगनल नहीं होती इसके अंदर इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये भी नहीं है प्रोक्रियाटिक सेल इसके अंदर इसके अंदर माइट्रोकॉन्टियर नजर आ रहे हैं तो ये भी नहीं है प्रोक्रियाटिक ये भी नहीं है ये प्रोक्रियाटिक है जिसके अंदर डी एन ए पड़ा हुआ है और ये राइबोसोम है और बाकी साइटोप्लाजम है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट हम चलते हैं एम सी क्यूज़ नंबर ट्वेल्व की तरफ हाउ डू नाइट्रेट आयस ऑक्सीजन एंड वाटर इंटर रूट हेयर सेल्स रूट हेयर सेल्स के अंदर नाइट्रेट ऑक्सीजन और वाटर किस तरह से मूव करता है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बाई डिफ्यन डिफ्यून के जरिए वाटर मूव करेगा नहीं वाटर ऑस्मोसिस के जरिए मूव करता है तो एयर बी तो नहीं हो सकते अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन हो सकते हैं सी और डी हो सकते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के जरिए वाटर मूव करता है ठीक है तो इसमें ये दो हो सकते हैं इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अब आपको पता है ये पहले दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि इसमें ये गलत हो गया था तो इसमें देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ऑक्सीजन तो नहीं मूव करती ऑक्सीजन मूव करती है डिफ्यूजन के जरिए तो इसमें नाइट्रेट आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वाटर ऑस्मोसिस के जरिए और डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है ठीक है तो नेक्स्ट हम चलते हैं तेरहवें एम सी क्यूज की तरफ शोज थ्री फंक्शंस ऑफ़ सेल्स इन सेल्स के फंक्शंस बताए गए हमने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट रोग को एब्जॉर्बन uh, के लिए कौन सी चीज़ें कौन से सेल रिस्पॉसिबल होते हैं रूट हेयर सेल्स ठीक है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को न्यूट्रंस को स्पोर्ट देते हैं मसल सेल्स भी स्पोर्ट देते हैं जाइलम स्पोर्ट देता है प्लांट्स के अंदर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट रेडुलर सेल्स ट्रांसपोर्ट के रिस्पॉन्सबल होते हैं तो इसमें हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे रूट हेयर सेल्स जयलम वैसेल और रेड ब्लड सेल्स ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एम सी क्यूज नंबर फोर्टीन की तरफ द रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप में भी डिफाइंड एज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स ऑप्शन डी इसके बाद फिफ्टीन एम सी क्यूज है द टेबल शोज द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ न्यूक्लियस इन थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स विच ऑप्शन इज करेक्ट रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है नहीं होता एबसेंट यानी इसमें हम ऑप्शन बी को रखेंगे या डी को रखेंगे एक मिनट इसमें या तो हम ऑप्शन बी को रखेंगे या डी को रखेंगे कंपेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है होता है इसमें हम या बी को रखेंगे या डी को रखेंगे इसके बाद साइव एलिमेंट्स साइव एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसमें हम ऑप्शन डी को चूज़ करेंगे नेक्स्ट एम नंबर 16 है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ़ जाइलम एंड फ्लोएम इन ग्रीन प्लांट्स जाइलम का काम होता है स्पोर्ट देना और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना ऑप्शन सी फ्लोएम का काम होता है शुगर को ट्रांसपोर्ट करना तो इसमें ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है नेक्स्ट एम सी है वट आर द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोक्रिया का काम होता है सेलुलर डिस्पेरेशन ऑप्शन डी आ रेड ब्लड सेल एंड प्लांट रूट सेल बोथ है दोनों के अंदर क्या होता है लार्ज सर्फेस एरिया होता है दोनों का विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन ऑल यूक्रियाटिक सेल्स सारे यूक्रियाटिक सेल्स के अंदर में ब्रैन बॉडी डॉर्गनेलिस होती हैं ऑप्शन बी इसके बाद लास्ट टाइम से क्यों डायग्राम शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्य यहाँ पर सेल्स दिखाई गए हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़ के और हमने बताना है कौन से सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं uh, तो ये तो रेड ब्लड सेल हो गया ये स्टोमेटा हो गया और ये हो गया न्यूरॉन और यहाँ पे ये जो है पी ये मसल सेल है जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके बाद चैप्टर फिफ्थ का पहला एमसीक्यूज है द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंजक्टिव डिवीजन इस टर्म डैस इंटरफेस दो डिवीजन फेजिस के दरमियान का जो पीरियड होता है उसे इंटरफेस कहते हैं यानी एक दफ़ा जब सेल डिवाइड करते हैं तो जो नए सेल बनते हैं ठीक है फिर ये इंटरफेस गुजारेंगे इंटरफेस के बाद फिर ये डिवाइड करके दोबारा से नए सेल बनाएंगे तो दरियान का ये जो फेस है दो टवियन फेजिज़ के दरमियान उसे कहते हैं इंटरफेस विच ऑफ़ द फॉलोइंग फेज ऑफ माइटोसिस इज एसेंशियली द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेस प्रोफेज़ का ऑपोजिट होता है चिलोफेस इसके बाद है वन डू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होमोलोगस क्रोमोसोम कब एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस वन ओनली इन मियोसिस वन ऑप्शन बी नेक्स्ट हम चलते हैं एम सी नंबर फोर की तरफ द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम और कॉल्ड क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं उन्हें कहते हैं क्रोमाटिड ये अगर क्रोमोसोम है तो इसकी ये जो आर्म्स होती हैं इन्हें कहते हैं क्रोमाटिड नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इस साइटोकाइनेसिस क्या होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटाफेज वन आपको पता है मेटाफेज़ वन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं इस तरह से पेयर अप होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे मैं कहता हूँ ये फॉर एग्जांपल एक होमोलोगस पेयर है ये क्रोमोसोम या दूसरा क्रोमोसोम इस तरह से यहाँ पर देखें ये जो ऑप्शन बी है इसके अंदर मुझे लग रहा है पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है पर फिर भी यहाँ पर ये जो बी है इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हुए हुए ठीक है तो मेटाफेज़ वन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं जबकि बाकी जो मेटाफेज़ होते हैं मेटाफेज़ टू या माइटोसिस का मैटाफेज़ उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं मेटाफेज प्लेट के अंदर नेक्स्ट एम सी क्यूज़ नंबर सेवन है विच प्रोसेस इन्वॉल्व मियोसिस मियोसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जो गेमिट्स की फॉर्मेशन होती है वो भी मियोसिस के जरिए होती है इसके अलावा मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है मियोसिस के जो प्रोफेज़ वन होता है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर देखें ये जो वेन डायग्राम यहाँ पर दी गई है इसमें देखें ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है न, इसमें ये जो बी है ना ये इसमें क्रॉसिंग ओवर भी आ रहा है और गैमेट फॉर्मेशन भी आ रहा है यानी हम ऑप्शन बी को चूज़ करेंगे ये वाला जो है ऑप्शन बी ठीक है यानी गैमेट फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर ये दोनों प्रोसेसिस होते हैं म्योसिस के अंदर नेक्स्ट है दिस टाइग्राम इज शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच स्टेज कंटेन क्याज्मा क्यामा आपको पता है एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये जो बी है ये क्याजमा को शो कर रही है क्याजमाटा फार्मेशन को शो कर रही है नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल स्टॉप डिवाइडिंग सेल जीनाट फेज के अंदर डिवाइड नहीं करता सेल इज़ अंडर गोइंग प्रोसेस ऑफ सेल डेथ इट कैन बी एपोप्टोसिस इफ सेल फॉर्म ब्लैप्स मतलब सेल जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है द डायग्राम्स शोज रेप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ये एक क्रोमासोम की रेप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है इन विच फेज़ ऑफ इंटरफेज रेप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अक्कर आपको पता है जो क्रोमोसोम की रेप्लीकेशन होती है वो होती है ड्यूरिंग एस फेज ठीक है यहाँ पर देखें ये क्रोमोसोम है ये दूसरा क्रोमोसोम है ये पहला जो क्रोमोसोम है इसने भी अपनी कॉपी बना ली है जो सिस्टर क्रोमाटेड है जो सेंट्रोमेर के जरिए इसके साथ अटैच होती है दूसरे क्रोमोसोम ने भी अपनी कॉपी बना ली है इसके बाद नेक्स्ट है ट्वेल्थ एम सी क्यूज़ द क्रोमासोम नंबर ऑफ़ फ्रूट फ्लाई इज़ एट द गैमिट्स ऑफ फ्रूट फ्लाई कंटेन फोर क्रोमोसोम ठीक है तो वैसे अगर उसके अंदर एट हैं तो जो गैमिट्स बनेंगे उनके अंदर फोर फोर क्रोमोसोम होंगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज में पूछ रहा है कि इन डायग्राम्स के अंदर कितनी क्यामा फार्मेशन है क्याजमेटा बने हुए हैं तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड डायग्राम है इसमें ये एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर और ये दूसरा एक्स लाइक स्ट्रक्चर यानी दो क्याजमा बनी हुई है ठीक है इसके बाद चैप्टर सिक्स का पहला हमसे क्यूज है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ इन्जाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन नोन एज एक्टिव साइट ये एक्टिव साइट ही होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करती है और इन्जाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है ऑफ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज इन्जाइम विच इज़ ट्रू अबाउट इन्जाइम्स आल इन्जाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट इन्ज़ाइम्स के एक छोटे से ग्रुप राइबोजाइम को छोड़ के बाकी सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन स्पोर्ट्स दैट लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड्स होती हैं वो रिचिड स्ट्रक्चर होती हैं वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती इसके बाद नेक्स्ट है विच ग्राफ शोज हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ़ एंजाइम एक्शन आपको पता है ये यहाँ पर देखें जो जो हम जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं जो एंजाइम का रिएक्शन रेट होता है वो भी ज़्यादा होता जाता है लेकिन थर्टी सेवन तक हमारी बॉडी के अंदर वो ऑप्टिमम थर्टी सेवन टेम्परेचर जो हो होता है वो ऑप्टिमम होता है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसके बाद जब टेम्प्रेचर ज़्यादा करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाती है तो ये जो ऑप्शन बी है ये बेस्ट uh, आंसर है क्वेश्चन एम सी क्यूज़ नंबर फाइव का नेक्स्ट है एम सी क्यूज नंबर सिक्स द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस नोन एज मेटाबॉलिज्म व्हाट इज़ ट्रू अबाउट को फैक्टर्स को फैक्टर्स बेसिकली एंजाइम्स को फैसिलिटेट करते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करने में चेंज इन पीएच कैन एच द एक्टिव साइड बाय अफेक्टिंग द आयोनाइेशन ऑफ अमायनो एसिड यानी हमसेनाइजेशन होती है अगर पी चेंज होगी तो एक्टिव साइड की शेप अल्टर हो जाती है चेंज हो जाती है नेक्स्ट आता है कैटेलेटिक रीजन ओन एंजाइम्स रिकोगनाइज एंड बाइंड दबस्टेट एंड कैरीज द रिएक्शन। कैटेलेटिक रीजन कौन सा होता है एक्टिव साइड जहाँ पर सबस्टेट बाइंड करती है और वह सबस्टेट फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है इसी एक्टिव साइड वाले रीजन के ऊपर नेक्स्ट टाइम से है ग्राफ शोज द एक्टिविटी ऑफ थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम तीन डाइजेस्टिव एंजाइम का की एक्टिविटी का यह ग्राफ है यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्स एंड वाई बोथ आर एक्टिव एट पी एच सेवन एक्स और वाई यहाँ देखें ये एक्स है और वाई है ये वाला वाई है एक्स दो से लेके के चार तक एक से लेके चार तक एक्टिव है चार पे इसकी एक्टिविटी कम हो रही है तो एक्स और वाई जेड पे एक्टिव नहीं है एक्स और जेड पी एच फोर पर भी एक्टिव नहीं है एक्स और जेड ये दोनों यहाँ पर देखें जेड की जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो छः से स्टार्ट हो रही है और जो एक्स है उसकी एक्टिविटी फोर पे एंड हो रही है एंजाइम्स वाई एंड एंड जेड बोथ आर एक्टिव एट फोर नहीं ये भी गलत है ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये ट्रू है वाई और जेड दोनों सेवन पे एक्टिव हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों जाता है डायग्राम शोज एंड अमाइलेज मालिक्यूल यर्टलाइजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्स मालिक्यूल अमालेज आपको पता है स्टार्स की ब्रेकडाउन करता है तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है पी क्यू और एस क्या चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये एस इंजाइम है क्यू एक्टिव साइट है पी जो है वो सबस्ट्रेट है और आर प्रोडक्ट है ठीक है तो यहाँ पर ये जो इसका आंसर बनता है वो डी बनता है जिसमें एस इन्जाइम आर प्रोडक्ट पी सबस्ट्रेट और क्यू एक्टिव साइट इसके बाद नेक्स्ट द डायग्राम शो सेंसिस ऑफ एंजाइम्स विद सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट यहाँ पर देखें ये सबस्ट्रेट स्टेट हैं और ये प्रोडक्ट बन रही है विच कम्पोनेट्स विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कम्पलेक्स इनमें से कौन से कम्पोनेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे पी क्यू आर ये तीनों एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे पी क्यू आर ये जो ऑप्शन बी है ये ट्रू है ये तो प्रोडक्ट है ना तो पी क्यू आर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे नेक्स्ट है द डायग्राम रिप्रेजेंट एंजाइम एक्शन ये एंजाइम एक्शन की एक डायग्राम है तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू को आइडेंटिफाई करना है तो वाई एंजाइम है एक्स एक्टिव साइट है डब्ल्यू सबस्ट्रेट है और जेड प्रोडक्ट है जेड प्रोडक्ट इसके अलावा एक्स जो है वो एक्टिव साइट है एक्स एक्टिव साइट, डब्ल्यू सबस्ट्रेट और वाई एंजाइम इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है इसके बाद चैप्टर सेवन का पहला एमसीक्यूज है ग्लाइकोलाइसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज की प्रियटन होती है तो मैकनीजम ऑफ एट पी सेंसिस इज ए टी पी सेंसिस के मैकनीजम को कहते हैं फॉसफोराइलेशन द फॉलोइंग फॉलोइंगशन फॉर फोटोसेंसिस इज़ इस इनकम्प्लीट इसको हमने कम्प्लीट करना है तो यहाँ पर ये यह जो वन है ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अलावा वाटर लाइट एनर्जी और यहाँ पर ये यह जो टू है ये क्लोरोफिल होगा जो कि लाइट को कैप्चर करता है और जो प्रोडक्ट्स होती हैं फोटोसेंसिस की एक ग्लूकोज होता है और दूसरी ऑक्सीजन होती है जिसको बाहर रिलीज़ किया जाता है तो ये जो थर्ड वाला है ये ऑक्सीजन है तो हमने ऑप्शन देखने हैं थर्ड वाला हो गया ऑक्सीजन सेकंड वाला क्लोरोफिल फर्स्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें ऑप्शन बी है इन एरोबिक रिस्पेरेशन परोविक एसिड चेंजेस टू परोविक एसिड किस में चेंज होता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर एसिटाइल कोएंजाइम एसीटाइल को साइकिल में एंटर होता है जहाँ पर फर्दर एन ए और एफ ए वगैरह बनते हैं इसके बाद है विच ऑफ दीज यूज ऑक्सीजन एज अ फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑक्सीजन को फाइनल एक्सेप्टर के तौर पर यूज़ करता है इसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यूज ऑफ़ दिस प्रोड्यूसिस कार्बन डाइऑक्साइड इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेप के अंदर बनती है तो क्रैप साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसेंसिस लाइट रिएक्शन के दौरान ए टी पी एन ए डी एच और ऑक्सीजन बनता है ऑप्शन ए द डायग्राम शोज एंड ओवरव्यू ऑफ फोटोसेंसिस फोटोसेंसिस का ओवरव्यू है इस डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पर वन टू थ्री फोर को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर ये वन वाटर है टू ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है और कैलमन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और यहाँ से प्रोडक्ट में शुगर यानी ग्लूकोज बनता है तो यहाँ पे गैसेस हैं टू और थ्री टू और थ्री क्या हैं गैसेस? ये है ऑक्सीजन और थ्री है कार्बन डाइऑक्साइड। द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेक स्टार्च फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन दिस प्रोसेस क्लोरोफिल का काम होता है टू ट्रैप लाइट एनर्जी विच फीचर हेल्प्स प्लान्स टू मेक मोस्ट फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स यानी जितने ब्रॉड लीव्स होंगे उतनी ज़्यादा लाइट कप्चर होगी उतनी ज़्यादा फोटोसेंसिस का प्रोसेस होगा इसके बाद है डायग्राम शोज अपाउंड वीट इन अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर विच कंडीशन फूड कास्ट प्लान टू प्रोड्यूस मोर बबल्स मोर बबल्स का मतलब है मोर फोटोसेंसिस और फोटोसेंसिस के नतीजे में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी उतनी ज़्यादा बबल्स बनेंगे ठीक है तो जितनी ज़्यादा फोटोसेंसिस होगी उतनी ज़्यादा बबल्स बनेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिजो फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फोटो सेंसिस होगी जो लाइट होगी वो हो ज़्यादा ब्राइट होगी उतनी ज़्यादा फोटो सेंसिस होगी टेमपेरेचर जितना ज्यादा जितना ज़्यादा नहीं मतलब वार्म अगर होगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स की रेंज में थर्टी की रेंज में तो फोटो सेंसिस अच्छी तरह से होगी ये जो तीनों कंडीशन हैं ऑप्शन बी वाली ये अगर मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा बबल्स बनेंगे यानी फोटो सेंसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा इसके बाद ट्वेल्व से क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ यूज बाई प्लांट टू मेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस कौन सा प्रोसेस है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए फ़ोटोसेंसिस के दौरान ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब वाटर की फोटोलाइसिस होती है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है इसके बाद है द डायग्राम शोज़ चार्ट अबाउट टाइप्स ऑफ सेलुलर इंस्परेशन हमने यहाँ पे वन टू थ्री को आइडेंटिफाई करना है ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बनता है पायोवेट वन हो गया पारोवेट फिर इसके बाद एनरोपिक रिस्पेरेशन में उस पारोवेट को फर्दर दो तरीकों से तोड़ा जाता है एक वो तरीका जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो कि हमारे मसल्स के अंदर एनोरोबिक रिस्परेशन होती है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और यीस्ट वगैरह के अंदर अल्कोहल बनती है इथेनॉल बनती है ठीक है तो टू हो गया इथेनॉल थ्री हो गया मसल्स वन हो गया पैरोविक एसिड तो वन हो गया पैरोविक एसिड टू हो गया इथाइल अल्कोहल और थ्री हो गया लैक्टिक एसिड इसके बाद नेक्स्ट है तो द डायग्राम शोज ओवर वी ऑफ़ सेलुलर रिस्पेरेशन हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए एन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी बनता है और इसके अलावा जब पैरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है यानी एसी डायल्कोइनजाइम ए बनता है तब भी एन बनता है और साइकिल में भी बनता है तो ये जो वाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन को और ये जेड एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एक्स है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें जो ऑप्शन सी है ऑप्शन सी ऑप्शन बी वाई ओनली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन को इसके बाद अ चाइल्ड लेफ्ट अ कार्टून ऑन द लॉन फॉर टू डेज़ वेन द कार्टून वॉज पिक्ड अप द ग्रास अंडर इट हैट टर्न येलो वट कास्ट वॉट कास्ट द ग्रास टू चेंज कलर तो जब वहाँ पर कार्टून पड़ा रहा दो दिन तो लाइट जो है वो प्लांट ग्रास तक नहीं पहुँच पाई जिसकी वजह से वो फोटो सेंसेंस नहीं कर पाया और वो येलो हो गया लेट लेक ऑफ लाइट ये रीजन हो सकती है ग्रास के येलो होने की इसके बाद चैप्टर एट न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज़ हैं उसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है दिस एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन जो है वो सारी प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नहीं होता इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एबसेंस ऑफ बाइल बाइल फैट्स को इमल्सिफाई करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है और फिर उस ऊन फैट्स की अच्छी तरह से डाइजेशन हो पाती है विच इन्फ़ स्टेट एंड पी एच कंडीशन आर नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन साइड स्टमक स्टमक के अंदर आपको पता है एसिडिक सी इन्वायरमेंट होता है यानी लो पी एच होती है तो वहाँ पर प्रोटीज इंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और लो पी एच जरूरी होती है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट बाइल इज़ फार्म इन बाइल बनता है लिवर के अंदर द करेक्ट पेयर ऑफ डेफिशेंसी कॉजिज़ वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से स्क्रवे होती है नहीं वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है नहीं वाइटाम डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होती है इसके बाद सिक्स थेम सी की है ये यह डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है और जितने भी पार्ट्स लेबल हैं हमने ये बताना है, यह है यहाँ पर किस पार्ट के अंदर लिपिड्स सबसे ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर ये यह जो बी है जो यहाँ पर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा लेक्टील है एक लम्फैटिक वेसल है लेक्टील एक तरह की लम्फेटिक वैसल होती है इसके अंदर सबसे हाई अमाउंट में लिपिड्स मौजूद होते हैं हमारी स्माल इंटस्ट इं, इंटस्टाइन से जो लिपिड्स होते हैं वो डायरेक्टली डाइजेस्ट होने के बाद इस लेक्टील के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं ना कि हमारे ब्लड के अंदर पहले लेक्टील के अंदर फिर लेक्टील से फर्दर आगे लम्फेटिक वैसल्स के जरिए उन लिपिड्स को या आप कह सकते हैं फैटी एसर्स और कोलेस्ट्रोल को एब्जॉर्ब करवाया जाता है ब्लड के अंदर इसके बाद एक ग्लाइकोजिन इज स्टोर्ड इन ग्लाइकोजिन कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजिन इज स्टोर्ड इन लीवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है कॉमन पैसेज फॉर स्वेलविंग ऑफ फूड एंड ब्रीथिंग फेरिंग्स वो कॉमन रास्ता है जहाँ से फूड भी गुजरती है और एयर भी गुजरती है इसके बाद है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इन विच रीजन मैक्सिमम अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब इन द ब्लड अमाइनो एसिड कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं डी पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ठीक है ये स्टमक इसके बाद ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से मैक्सिमम एब्जॉर्बन होती है इसके बाद डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरीड आउट बाय स्टार्च और प्रोटीन दोनों के डाइजेशन गेस्ट्रिक जूस के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए एंजाइम होते हैं स्लाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट बाय लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं लेकिन पेंक्रियाटिक जूस जो है वो इनके अंदर ऐसे इंजाम्स होते हैं जो प्रोटीस को स्टार्च को लिपिड्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं इफ द म्यूकस लाइनिंग कवरिंग ऑफ स्टमक ब्रेक्स अगर स्टमक के अंदर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस की जो बनी हुई होती है वो अगर ब्रेक हो जाए टूट जाए तो स्टमक टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं इसको क्या बोला जाता है इसको अल्सर बोला जाता है पेप्टिक अल्सर स्टमक अल्सर इसके बाद अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ नॉट इन कॉन्टेक्ट विद फूड डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जो कि जहाँ से फूड नहीं गुजरती वो है लीवर ये वो पार्ट है ये भी डाइजेशन के अंदर इसका रोल होता है लेकिन फूड यहाँ से नहीं गुजरती बाकी सारे पार्ट से फूड गुजर कर जाती है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है इसके बाद नेक्स्ट टाइम से है कॉन्स्टिपेशन करवे ओबेस्टी कैन बिकॉज बाई पुअर डाइट विच डाइट आर लिंकड विद दीज डिजीज इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है नेक्स्ट फिफ्टीन एम सी क्यूज है विच कम्पोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट इज़ यूज़ टू मेक न्यू इन्ज़ैम्स मालिक्यूल प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है न्यू इन्जाम्स बनाने के लिए आपको पता है इंजाम्स प्रोटीन्स ही होते हैं तो प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है इन्जाम्स बनाने के लिए विच फूड कंटेन द हाइस कंसनट्रेसन ऑफ़ प्रोटीन एंड आयरन मीट के अंदर प्रोटीन्स और आयरन सबसे ज़्यादा मौजूद होती हैं इसके बाद हमने देखना है द टेबल शोज द बाय एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच फोर सब्सटांसिस विच सबस्टांस कुड भी प्रोटीन्स हमने यहाँ पर देखना है कौन सी सब्सटांसिस प्रोटीनस हैं अच्छा यहाँ पर सबसे पहले है कार्बन प्रोटीन्स के अंदर भी होती है सब के अंदर होती है लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन भी होता है नाइट्रोजन जो है ये सिर्फ प्रोटीन के अंदर आपको नजर आएगा इसके अलावा डी वगैरह के अंदर भी नाइट्रोजन होता है इसके बाद ऑक्सीजन ये चारों चीज़ें मौजूद हैं और हमने बताना इनमें से तो प्रोटीस कौन सी हैं तो इसमें यह जो ऑप्शन सी है क्योंकि इनके अंदर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन्स का पूछा गया तो इसमें यही ऑप्शन बनता है ठीक है बाकी जो तो तीनों ऑप्शन है वो नहीं बन सकते इसके बाद नेक्स्ट है फोर इक्वल मैसेज ऑफ डिफरेंट फूड्स आर बंड एज शोन इन डायग्राम अच्छा इस डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है कि चार इक्वल मैसेज हैं फूड के जिन्हें बर्न किया गया है जिन्हें जलाया गया है हमने क्या देखना है द टेंपरेचर ऑफ़ वाटर वाज मेड बिफोर एंड आफ्टर फोर सैंपल वाज बर्न यानी फोर सैंपल को बर्न किया गया और बर्न करने से पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर यहाँ पर दिखाया गया उन चारों सैंपल्स का सैंपल ए का पहले का टम्परेचर सोलह डिग्री है और बाद का टेमपेचर थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड है बी का इसी तरह से सत्रह और नाइनटी सिक्स है सी का इसी तरह अठारह और फिफ्टी फोर है हमने यहाँ पर लिपिड्स को फाइंड करना है तो आपको पता है लिपिड्स की जब ब्रेक टन होती है तो उनसे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी यहाँ पर देखिए जब बर्न होने के बाद टेम्परेचर फाइंड किया गया तो नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड था तो इसमें नाइन्टी सिक्स वाले के क्या है लिपिड्स हैं इसके बाद विच सिक्रीशन रिलीज इंटू एलिमेंट्री कैनाल कंडेंस नो एंजाइम्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐसी कौन सी सिक्रीशन रिलीज होती है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होता लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो है पाइल जो कि हमारे लिवर से रिलीज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोन सबस्टांस कुड बी अ लिपिड अमाना साइड उसमें होते हैं लिपिड्स में नहीं होते ग्लूकोज होता है नहीं होता फैटी एसिड्स होते हैं होते हैं ग्लिसरॉल होता है होता है इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है इसके बाद लास्ट चैप्टर का पहला एमसीक्यूज़ सिक्यूज है, है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इन द ऑफ सिंपल शुगर सिंपल शुगर यानी सकरोज की फार्म में फूड ट्रांसपोर्ट होती है तो डायग्राम शोज़ अ सेक्शन ऑफ प्लांट लीव डिफरेंट सेल्स ऑफ लीव परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अब यहाँ पर मुख्त सेल्स लेबल है हमने उनके फंक्शंस देखने हैं सबसे पहले फ़ोटोसेंसिस फ़ोटोसेंसिस का रिस्पॉसिबल होते हैं स्पॉजी मीजोफिला और पैलीसेट सेट मीजोफिल ये दो वाला पैलीसेट सेट मीजोफिला और पांच वाला स्पॉजी मीजोफिला यानी दो और पांच रिस्पॉसिबल होते हैं फोटोसेंसिस के लिए ट्रांसपारेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा सिक्स वाला स्टोमेटा है तो यहाँ पर सिक्स वाला स्टोमेटा है इसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉसिबल होते हैं जाइलम और फ्लोएम ये जो थ्री है ये जाइलम और फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर देखिए ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये है जाइलम की तो यहाँ पर थ्री ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पांसिबल होता है और प्रोटेक्शन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस ये वन और फोर अपर और लोअर एपिडर्मस है तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बन रहा है नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर थ्री की तरफ ये डायग्राम दिखाई गई है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की हमने यहाँ पर फाइंड करना है सिंक को सोर्स वो होता है जहाँ पर फूड बनती है सिंक वो हो होता है जहाँ पर फूड स्टोर होती है यहाँ पर ये यह जो फ्रूट है ये सिंक है इसके बाद नेक्स्ट है द डायग्राम शोज ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू स्टार शुगर हाइपोथिस विच पार्ट ऑफ गार्ड सेल परफॉर्म देर फंक्शन ज्यूरिंग डे टाइम टू कीप टोटा ओपन दिन के टाइम स्टार शुगर हैपोथसिस के मुताबिक जो गार्ड सेल्स होते होते हैं वो ओपन होते हैं क्योंकि दिन के टाइम फोटोसेंसिस होते हैं और उस फोटोसेंसिस के रिस्पॉसिबल होते हैं क्लोरोप्लास्ट इन लेबल पार्ट्स के अंदर जो सी वाला है ये क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं है लेकिन सी वाला क्लोरोप्लास्ट ही है तो आपने इसमें ऑप्शन सी को चूज़ करना है क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट हमसे क्यों है डायग्राम शोज रेड ब्लड सेल्स हमने यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप को ओ रेड ब्लड सेल्स को फाइंड करना है यानी वो रेड ब्लड सेल्स जिनकी सर्फेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती जिन बंदों के रेड ब्लड सेल की सर्फेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती उनका ब्लड ग्रुप होता है ओ इसमें ऑप्शन डी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूकोसाइट लिकोसाइड आपको पता है लिम्फोसाइड भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं मोनोसाइट भी ल्यूकोसाइट होते हैं या भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स हैं यानी ये ल्यूकोसाइट्स नहीं है इसके बाद यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है दो ब्लड वेसल्स की और ये जो डायग्राम वन है ये बेसिकली आर्टरीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है आप मुझे कैसे पता चला ये आर्टरीज हैं क्योंकि आर्टरीज का ल्यूमन कम होता है और उनके अंदर ये जो सेकंड वाली लेयर होती है स्मूथ मसल्स की वो ज़्यादा होती है और वैन्स का ल्यूमन ज़्यादा होता है और उनके अंदर स्मूथ मसल की लेयर कम होती है तो हमने देखना है कौन सी ब्लड वैसल के अंदर वाल्स मौजूद होते हैं वैन्स के अंदर वाल्स मौजूद होते हैं और किसका ब्लड प्रेशर हाई है, है इन दोनों में से किसके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वाल्स प्रेजेंट होते हैं वैन्स के अंदर यानी टू के अंदर और ब्लड प्रेशर हाई होता है वन के अंदर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है द लेफ्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट ह्यूमन का जो लेफ्ट ह्यूमन के हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है द पलमनरी आर्टरीज़ कैरी ब्लड टू पलमनरी आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं लंग्स की तरफ द डायग्राम शोज डिफरेंट ब्लड सेल्स यहाँ पर डिफरेंट ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं हमने उन ब्लड सेल्स को फाइंड करना है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो है रेड ब्लड सेल्स यानी ऑप्शन बी ये जो है ये रेड ब्लड सेल्स हैं इसके बाद द टेबल शोज द करैक्टर्स ऑफ द ब्लड इन वन ब्लड वेसल एक ब्लड वेसल के करैक्टर्स बताए गए हैं उसके उसके अंदर ऑक्सीजन की कन्सन्ट्रेशन ज़्यादा होती है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की कन्सन्ट्रेशन कम होती है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वैन का तो नहीं हो सकती इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है पल्मोनरी वैन भी नहीं हो सकती क्योंकि जो पल्मोनरी वैन होती है वो ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आती है लेकिन इस पलमनरी वैन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है पलमनरी आर्टरीज भी नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ज़्यादा होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है इसमें है ऑप्शन ए एरोटा नेक्स्ट हमने नेक्स्ट हमसे की है विच क्रॉप शोज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज़ ह्यूमिडिटी ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन आपको पता है जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी ट्रांसपारेशन का रेट उतना ज़्यादा कम होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा ट्रांसपारेशन कम तो जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी ट्रांसपारेशन उतनी ज़्यादा होगी तो इसमें ये जो ऑप्शन बी है वो है करेक्ट ऑप्शन इसके बाद थर्टीन एम सी क्यूज़ है द डायग्राम शोज़ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट विच चेंबर रिसीव ब्लड फ्राम लंग लंग से कौन सा चम्बर ब्लड को रिसीव करता है ये ए वाला जो है ये तो रिसीव करता है पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटिव ब्लड बी वाला लंग्स से रिसीव करता है ब्लड ऑक्सीजनेटिव ब्लड तो बी चम्बर रिसीव करता है डायरेक्टली इसके बाद है फोर्टीन एम सी क्यूज द डायग्राम शोज़ प्लान ऑफ ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी विच ब्लड वेसल इज हेपेटिक पोर्टल वैन हेपेटिक पोर्टल वैन वो होती है जो लीवर के अंदर ओपन होती है हमारे स्मॉल इंटस्टाइन स्टमक लार्ज इंटस्टाइन से ब्लड को ला रही होती है तो ये जो डी है ये हेपेटिक पोर्टल वैन है इसके बाद लास्ट टाइम्स यूज़ है ये हार्ट बीट के मुख्तफ स्टेजेस uh, दिखाई गई हैं आपको पता है सबसे पहले ब्लड आता है uh, आर्ट्रियम्स ये जो आर्टिकल्स होते हैं ऊपर वाले इनके अंदर फिर आर्ट्रियम्स से ब्लड आता है वेंट्रिकल्स के अंदर और यहाँ पर देखें पी के बाद ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है यानी आर है फिर वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है पलमनरी आर्टरी uh, और इसके साथ एरोटा के जरिए हमारे लंग्स की तरफ जाता है तो ये क्यू वाली नेक्स्ट स्टेज है और फिर एस वाली उसके नेक्स्ट स्टेज है यानी पी के बाद आता है आर आर के बाद क्यू क्यू के बाद एस वाली स्टेज आती है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट